उसमें आज जो है कोर्ट का आदेश है। ये एक मामला था, मोगढ़ थाना खंडवा ने एक आरोपी को मनीष कुमार को 2004 में गलत तरीके से परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था। फिर इसने अपना इकबाल के जोर में कबूल किया था कि मैं संत कुमार त्रिवेदिया के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ाया हूँ और मेरे को तरुण कुमार ने इससे मिलवाया। फिर इसने वहाँ अपने फादर का नाम और एड्रेस गलत बताकर जमानत ली और फिर फरार हो गया। ये काफ़ी टाइम नहीं मिलने पर लोकल पुलिस ने संत कुमार त्रिवेदिया और तरुण कुमार के खिलाफ चार्जशीट दर्ज करी और उनके खिलाफ ट्रायल खंडवा में चली। ये अनुपस्थित रहने के कारण नहीं मिल पाया, इसकी जांच सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी, जिस पे से सीबीआई जांच एजेंसी ने 2018 में इसको पटना से ढूंढा जैसे तैसे, और ढूंढने के बाद इसको 2018 में इंदौर न्यायालय में पेश किया, व्यापम न्यायालय में, जहाँ से इसने माननीय उच्च न्यायालय से जमानत ली। उसके बाद ट्रायल चली, ट्रायल में माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश था कि 6 माह में इसको डिस्पोजल किया जाए। सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 के मध्य लगभग 21 गवाह हुए और पूरी ट्रायल चली, जिसमें माननीय न्यायालय ने इसको 419, 420, 467, 468, 471, 3/4 मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम में दोषी पाया, जिसमें 1 साल, 3 साल, 5 साल और 1000 रुपये दंड दिया, जिसको आज जेल भेजा गया।